निर्धन कही धनवानी सुखी, धनवानी कही सुख राजा को भारी, राजा कही चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कही सुख इंद्र को भारी, इंद्र कही श्री राम सुखी, श्री राम कही सुख संत को भारी, संत कही संतोष में सुख, बिना संतोष सब दुनिया दुखारी। ये चंद लाइनें कभी पापा के मुख से सुनी थी लेकिन समझ नहीं आया था, आज समझ में आया तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो आज मंगलवार है, बजरंग बली का वार है और बजरंग बली को भोग में हम लगाते हैं चूरमा के लड्डू या फिर बूंदी का प्रसाद। तो मैं चूरमा कैसे बनाती हूँ आज आप लोगों के साथ साझा। तो भाई हमने ले लिया है गेहूं का आटा और उसमें डाला नमक। अब इस आटे को हम लगाएंगे दूध के साथ। आटा हो गया रेडी, अब 5 मिनट रेस्ट करने देंगे, उसके बाद हम इसकी रोटियां बना लेंगे। रोटी को हम थोड़ा मोटा रखेंगे, ये रोटी बनके फूल गई है। अब इस गरम गरम रोटी को हम जल्दी से रोल करेंगे और रोल करने के बाद इसे बेलन से प्रेस कर देंगे। इसे लगातार उलट पुलट के हमें प्रेस करना है, ये गर्म ही रहेगी। उसके बाद इस रोटी को एक बाउल में निकाल लेंगे, ऊपर से डालेंगे हम देसी घी और उसके बाद उसमें खांड या गुड़ जो कुछ भी आप डालना चाहें वो डाल सकते हैं और फिर इसे हाथों से मैश करेंगे। ये अभी भी गर्म होती है तो थोड़ा ध्यान से करना है हमें, पूरा हाथ सहने की ज़रूरत नहीं है, उंगलियों से हो जाता है ये आराम से। उसके बाद चाहे तो आप इसमें कुछ भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, ड्राई फ्रूट डालने से थोड़ा अच्छा लगता है। और मिनटों में हमारे बजरंग बली का भोग तैयार है और ये लड्डू अभी भी गर्म ही है। तो भोग की तैयारी कर लेते हैं। मंगलवार को मेरा फास्ट होता है तो हर मंगलवार को मैं ये प्रसाद बनाती हूँ। बूंदी मैंने ट्राई की थी लेकिन वो मेरे से इतनी अच्छी बनी नहीं, लेकिन फिर भी मैंने 2-3 बार कोशिश की है और करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। तो भाई अपना तो फास्ट है लेकिन बाकी लोग तो खाएंगे ना, तो चलिए आगे खाने की तैयारी करते हैं। और आज ये हम बनाने वाले हैं लौकी का थेपला, गुजराती डिश, मतलब हम लौकी का पराठा बोल सकते हैं अपनी भाषा में, लेकिन गुजराती में से लौकी का थेपला कहते हैं। तो आइए बनाते हैं। इसके लिए लिया है मैंने गेहूं का आटा, थोड़ा सा बेसन, इसके अंदर डाला मैंने 2 चम्मच ऑयल या घी, कुछ भी डाल सकते हैं, और अजवाइन, जीरा, हल्दी, लाल मिर्च और थोड़ा सा इसके अंदर दही ऐड किया, दही 4-5 चम्मच थे, आधा कप लगा लो। उसके बाद मैंने लौकी को कस लिया है, इसके अंदर मैंने थोड़ी जिंजर कस के डाली है और ये बारीक कटी हुई हरी मिर्च, और इस लौकी को भी अब इस आटे के अंदर मिला देंगे। पानी आपको अभी डालना नहीं है, पहले लौकी को अच्छे से मिला लेंगे क्योंकि लौकी में मॉइस्चर होता है। और ये हमारा आटा रेडी हो गया, उसके बाद इसकी रोटी बेल लेंगे, रोटी बना के और फिर दोनों साइड से घी लगा के इसका पराठा सेक लेंगे। इसका कलर काफ़ी अच्छा होता है और सबसे अच्छी बात इसमें ये होती है कि ये हमें खाने में ऑयली नहीं लगता और इसकी सेल्फ लाइफ भी काफ़ी अच्छी होती है। आप इसे पिकनिक पे, ट्रैवलिंग में, मतलब कहीं भी लेके जा सकते हैं, लंच में, ब्रेकफास्ट में कभी भी इसे खा सकते हैं, चाय के साथ, दही के साथ, अचार के साथ, जैसे चाहे वैसे खाएं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और ये 3-4 दिन आराम से चल जाता है। तो माता जी को हमने परोस दिया है और मेरे लिए फास्ट का दिन होता है अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने का, तो चलिए बनाते हैं डिटॉक्स वाटर। इसके लिए लिया है मैंने खीरे की स्लाइस है, नींबू है और पुदीना है। अब एक ग्लास जार लेंगे हम और उसके अंदर ये सारी स्लाइस हम इसके अंदर डाल देंगे। ऊपर से डालेंगे इसमें हम पानी और इसको ढक्कन लगा के हम 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। अब यही पानी हमें दिन में यूज करना है, जैसे जैसे इसे कंज्यूम करेंगे उसके अंदर हम और पानी ऐड करते जाएंगे। आप दिन में जब भी प्यास लगेगी यही पानी पीना है। इसके लिए हमें जार को बड़ा लेना है और जब भी पानी आपको ख़त्म होता दिखे उसके अंदर और पानी हम ऐड कर सकते हैं। इस पानी से बॉडी डिटॉक्सिफाई होती है और आप सब जानते हैं खीरा बॉडी को हाइड्रेट रखता है, पुदीना डाइजेशन में अच्छा होता है और बॉडी को ठंडक देता है, नींबू में विटामिन सी होता है और उसके गुण आप अच्छे से जानते होंगे कि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जो इम्यूनिटी बूस्टर है नींबू। इस वाटर को कंज्यूम करने से बॉडी डिटॉक्सिफाई तो होती ही होती है, साथ में वेट लॉस भी होता है और ये एनर्जी ड्रिंक की तरह भी काम करता है।
इनकी बॉडी को भी डिटॉक्स कर देते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने बताया, फास्ट मतलब बॉडी को डिटॉक्स करना है आज मुझे। तो अब दोपहर में दूध वाली चाय नहीं पीनी, इसके लिए हम बनाएंगे जिंजर लेमन और मिंट वाली चाय। इसके लिए मैंने पानी ले लिया है एक गिलास, उसके अंदर मैंने थोड़ा अदरक डाला कस के, और थोड़ी रॉ टर्मरिक कच्ची हल्दी जो होती है उसे भी कस के डाला, पुदीने की कुछ पत्तियाँ डाली, और उसे बॉयल करके इसको मैंने छान लिया है। इसे छानने के बाद इसके अंदर हम हनी मिला लेंगे एक चम्मच, और ये हमारा टेस्टी हेल्दी और एनर्जी ड्रिंक रेडी है। इसे सिप सिप करके हमें पीना है, और इसके फ़ायदे मैं आपको बता देती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, जो जिंजर होती है वो कॉन्स्टिपेशन में भी हेल्पफुल रहती है, एंजाइटी और डिप्रेशन को दूर रखती है ये चाय, और वेट लॉस करती है, नींद अच्छी आती है। इसमें लेमन जूस ऐड करने से इसके फ़ायदे और बढ़ जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, नींबू में विटामिन सी होता है जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। ये बॉडी को डिटॉक्सिफाई करती है, स्किन में ग्लो लाती है, हमारे हेयर्स को अच्छा रखती है। हर तरह से ये हेल्थ बेनिफिशियल ड्रिंक है। इसको एक बार ट्राई करने पर ही आपको पता चल जाएगा कि ये कितना फ़ायदा देती है। तो मेरा आज के वीडियो में कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि एक तो वर्थ करिए, पेट का भरत मत करिए, ठीक है ना। और बॉडी को डिटॉक्स करने के साथ साथ अपने माइंड को भी डिटॉक्स करना चाहिए। तो जान है तो जान है, चाहे जितने भी बिजी रहें, हेल्थ से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, क्योंकि हेल्थ अच्छी रहेगी तो सब कुछ अच्छा रहेगा। तो हमेशा खुश रहिए, सेहत का ध्यान रखिए, मस्त रहिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। कहाँ चिपकली डुगू, कहाँ पे है? पकड़नी है आपको, चिपकली पकड़ोगे? हाँ, कैसे आ गई घर में?